बिसम असल तो आज का हमारा टॉपिक होगा टॉर्क जिसे हम मोमेंटम भी कह सकते हैं लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू एक तो चैनल सब्सक्राइब कर दें वीडियो को प्लीज़ और दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और मुझे नहीं लगता यहाँ पर मैंने जितनी बातें लिखी हैं इससे हट के टॉर्क के लिए कोई और बात हो सकती है टॉर्क के लिए जितनी बातें वो मैंने सारी यहाँ पर लिख दी हैं आप प्लीज़ इसको जो है वो एंड तक देखेगा और एंड में मैं टाइम दो कि वहाँ पर आप जाके इसका प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा फिर जो है वो आपके पास ये सेव रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं टोर्क के लिए ये रोटेशनल इफ़ेक्ट होता है एक फोर्स का यानी कि जिसकी वजह से एक बॉडी रोटेट करने लग जाए अगर मैं एक फोर्स लगाऊं किसी पॉइंट के ऊपर और वो सीधा जाने के बजाय रोटेट करना स्टार्ट कर दे एंड डेट फोर्स विल बी डिक्लेयर एज टॉर्क फोर्स वैसे ही लीनियर मोशन के लिए होता है और टोर्क जो है एक ऐसी टर्म है जो एंगुलर मोशन के लिए यहाँ पर मैंने टोर्क के सारे फार्मूलाज लिखे हैं जितने भी हमारी एफ की बुक के अंदर जो है वो इंग्लिस्ट हुए होते हैं एक एल लिखा हुआ है एक आर एफ साइंटिता लिखा हुआ है एक ये जो है वो एंगुलर मोशन के अंदर आई अल्फा और अल्फा को लिए ओमेगा ओवर टी या आई ओमेगा को डेल्टा एल भी कहते हैं तो ये डेल्टा एल ओवर टी क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक है जिस तरह से फोर्स है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम सेम एज टोर्क है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो इससे जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फोर्स और टोर्क ऑलमोस्ट सेम थिंग्स है बहुत कम फर्क है इनके अंदर लेकिन फोर्स जो है वो लीनियर मोशन के लिए और टोर्क जो है वो एंगुलर मोशन के लिए मोमेंट आर्म मोमेंट आर्म को आप लेवर आर्म भी कह सकते हैं मोमेंट आर्म क्या होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पिविट पॉइंट आर इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक डोर है ना डोर तो एक डोर के एक साइड पे इस तरह गोल गोल लगे होते हैं और दूसरी साइड पे यहाँ पे एक स्टैंड सा लगा होता है तो आप उस स्टैंड को अपनी तरफ खींचते हो अपनी तरफ खींचते हो तो इसका मतलब ये हुआ जो पीछे गोल गोल रोटेट कर रहे हैं ना जो दरवाजे को घुमाएंगे उसके परपेंडिकुलर आप इस फोर्स को लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर आप इसको खींच रहे हो अगर आप उसी डोर को उसी की तरफ उसी की जाना इस तरह से जोर लगाओ तो क्या फायदा होगा इस फोर्स का दरवाजा अपनी जगह से मूव नहीं करेगा रोटेट नहीं करेगा तो इसीलिए यह बात अपने जहन में रखनी है कि जब तक मूवमेंट आम पर पेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा देर विल बी नॉट वर्क ठीक है अब एक स्पैनर बचा यूज करते हैं तो हमें पता है आर एफ थीटा ये देखिए यहाँ पर आर एफ थीटा अगर एफ उधर ले जाए तो आर और एफ का इन्वर्स रिलेशनशिप है अगर लॉन्ग स्पैनर है आर जो है वो ज़्यादा है तो फोर्स कम लगाएंगे और वो जल्दी से रोटेट हो जाएगा यानी कि अगर हाँ हम एक खींचने वाली चीज़ों से हम जो है वो खींच के नट को टाइट करें तो उसके लिए स्पैनर लॉन्ग होगा कम फोर्स लगेगी लेकिन अगर स्पैनर शॉर्ट लेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगी नीचे लिखा हुआ है काउंटर पार्ट ऑफ़ फोर्स इज टॉर्क ये बात पहले हो चुकी है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है या परपेंडिकुलर टू प्लेन जिस प्लेन पे लग रही है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी लीनियर और रेंगुलर का यहाँ पे एक डिफरेंस छोटा सा ड्रा किया गया फर्स्ट लॉ के लिए और सेकेंड लॉ के लिए ठीक है फोर्स अगर जीरो होगी तो एक्सेलरेशन इसका मतलब जीरो है टॉर्क जीरो है, इसका मतलब यह है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है ठीक है एंगुलर एक्सेलरेशन कब जीरो होगा जब जो है यहाँ पर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी और यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कॉन्सटेंट होगी सेकेंड लॉ के लिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के इसी तरह से यहाँ पर अगर आप आई अल्फ़ा वाला देखें तो ये अल्फ़ा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल टॉर्क एफ इज इक्वल टू एम ए डेल्टा पी ओवर टी एम वी ओवर टी इसी तरह से डेल्टा ओवर टी आई उमेगा यानी कि ऑलमोस्ट सेम सेम है लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटीज का फर्क आ रहा है लीनियर और एंगुलर के लिए और थर्ड लाभ दोनों के लिए सेम ही होगा रिएक्शन एंड रिएक्शन वाला हैज रिएक्शन ऑपोजिट बॉडी अच्छा यहाँ पे दिखाया गया वेक्टर प्रोडक्ट ये फोर्स का ये फोर्स का वेक्टर है इसके बिल्कुल इस तरह कोस इस तरह साइन ये है जहाँ पॉइंट ऑफ एक्शन का एक पिविट लगा लें तो पिविट के परपेंडिकुलर तो यही है अगर ये एफ कोस डीटा का उलट यहाँ ड्रा करे तो वो तो पीविट के अंदर से गुजर रही है ठीक है जो चीज पीविट के अंदर से गुजर जाए उसके पैरेलल हो उसने कोई वो कंपोनेंट इफेक्टिव होगा ही नहीं यहाँ पर ये साइन वाला कंपोनेंट इफेक्टिव होगा ठीक है और ये एफ साइन डिटा आर अगर हम यही आर के यूनिट फैक्टर इसी डायग्राम को यहाँ मैंने ड्रा किया और यहाँ पर मैंने एफ की बजाय जो है वो आर के यूनिट फैक्टर ड्रा किए तो अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखें तो ये जो होगा इसका कोस वाला होगा और ये परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन है ठीक है अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल इस तरह से है अगर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है तो वो देखे तो उसे पता चलेगा ये बेस है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटिन्यूस है ठीक है तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी जो है ये परपेंडिकुलर जो है वो उसी पिविट से गुजर है उसके पैरल है तो आर साइन थीटा ही इफेक्टिव कंपोनेंट है जरूरी नहीं है हर दफ़ा जो इफेक्टिव कंपोनेंट हो वो साइन थीटा ही हो अक्सर ऐसा होता है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो किसी तरह से कोस थीटा भी बन जाता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और इसके अलावा वर्क यानी कि जिसको न्यूटन मीटर जाउल और टोर इनके सेम डायमेंशन है इसके लिए भी न्यूटन मीटर इसके लिए भी न्यूटन मीटर लेकिन डिफरेंट यूनिट है यानी कि आप वर्क के लिए जाउल कह सकते हैं बट यू कांट से जाउल फॉर द टोर ठीक है अगर थीटा हो हो के साथ जैसे यहाँ पर एक एफ है इसका थीटा ये सो हॉरिजॉन्टल के साथ है ये कोर्स है तो ये है आर जो आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वही इफेक्टिव होगा ठीक है तो इस तरह से आर एफ साइन थीटा थीटा को बढ़ा के नाइन्टी तक ले जाएंगे तभी टॉक मैक्सिमम होगा अगर यही वर्टिकल के साथ मैं एंगल बना दूं ठीक है अगर मैं यही एंगल जो इसी तरह से फोर्स दी हुई है और यहां पर मैं वर्टिकल के साथ इसका एंगल ड्रा कर दूं तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा कोर्स में किस तरह से देखें वर्टिकल के लिए ये ये बेस है ये है साइन ठीक है अगर इस तरफ कोई बैठा हो तो उसे पता चलेगा कि ये बेस है और बेस के सामने वाला है, है और जो इसके साथ इस तरह एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर तो इस तरह से यहां पर जो साइन कंपोनेंट है अगर इसका रिवर्स मैं यहां पर ड्रा करूं तो वो बिल्कुल उसी के अंदर से गुजर रहा है इस आर के या इस पीविड के तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं हुआ यहां पर कोस वाला इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया यानी कि अगर थीटा को आप होरिजेंटल की बजाय वर्टिकल के साथ लें तो अपने जहन में बिठा ले कि रिवर्स होने वाली हैं ठीक है हम इसको इस तरह से भी दे सकते थे आर एफ साइन नाइन्टी माइनस थीटा इस तरह से भी कर सकते हैं अक्सर बच्चे इस तरह से जल्दी समझ आते हैं यानी कि पूरा नाइन्टी उसमें से ये पूरा नाइन्टी और उसमें से हमने ये वाला माइनस कर देना है और जो बाकी बचेगा वो होगा थीटा विद द वर्टिकल तो यहां पर साइन नाइन्टी कन्वर्ट हो जाएगा कोर्स के अंदर और थीटा उसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर थीटा जब जीरो होगा यानी कि थीटा कम होगा तभी टॉक मैक्सिमम होगा अच्छा ये तो बात होगी सिंपल सी, लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं सिंपल सिंपल पेंडुलम के साथ वहाँ पर जो मेन थीटा होता है ना वो वर्टिकल के साथ बनता है अगर वर्टिकल के साथ है तब भी हम उसको एम जी एल साइन थीटा कहेंगे लेकिन अगर वो थीटा रिवर्स होके उसके ऑपोजिट कंपोनेंट हॉरिजेंटल के साथ बने तो वो एमजीएल कोस थीटा बन जाएगा इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना सिंपल पैंडुलम के लिए वही चीजें उलट है बस यही दिखाने की कोशिश की है क्योंकि वहां पर मेन जो है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है उसे ही मेन दिया जाता है उसे ही मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है इसकी समझ आपको ज़्यादा तब आएगी जब आप सिंपल पेंडुलम वाला आर्टिकल पढ़ेंगे यानी कि इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना मैं इसीलिए यहाँ पर अलग से भी बताया जब मैं सिंपल पेंडुलम बताऊंगी तब आपको समझ लग जाएगी कि क्या है ओरिजेंटल और क्या है फैक्टर के साथ एरिया क्लॉक वाइज जो टॉर्क होता है वो पॉजिटिव होता है ठीक है जो क्लॉक के साथ साथ हो जो नहीं क्लॉक वाइज जो टॉर्क होता है वो नेगेटिव होता है और जो एंटी क्लॉक वाइज होता है वो पॉजिटिव होता है ठीक है जो एंटी क्लॉक वाइज होता है वो पॉजिटिव होता है और जो क्लोक वाइज होता है वो नेगेटिव होता है और टॉर्क अगर सर्कल लिहाज से देखें वहां पर सिर्फ सेंटीपीटर फोर्स होती है उसकी वजह से टोक नहीं होता ठीक है वहां पर टोक जीरो होता है वर्क डन भी जीरो होता है अगर वर्क डन हो बाय टोक यानी कि वर्क डन होता है लीनियर के लिए एफ एस और अगर हम ऐसे ही एस को एंगुलर के अंदर आर थीटा कर लें ठीक है तो एफ आर थीटा आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा टोक थीटा तो हम ये कह सकते हैं अगर एंगुलर वर्क हो तो टोक थीटा अगर लीनियर वर्क हो तो एफ एस आ जाएगा अगर क्रेन के अंदर अगर हम देखें जिस तरह क्रेन बहुत ज़्यादा काम करती है वो चीज़ों को उठा के दूसरी जगह लेके जाती है उसकी जो तो डंडी होती है बूम ठीक है उसे बूम कहा जाता है उसका जो टॉर्क होता है जो पीछे होता है ना वो दोनों बराबर होते हैं इसीलिए वो पीछे जो काउंटर होता है ना जहाँ पर काउंटर होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ वेट रखा होता है ताकि ये दोनों बैलेंस रहे इसकी वजह से आसानी से मूव कर लेता है अच्छा अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि टॉर्क को किस तरह से जो है वो फाइंड किया जा सकता है इसके लिए क्या है यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रा की है सबसे पहले आपने क्या करना है ये पीविट है पिविट के नीचे इक्वल के मार्क लगा देने हैं अगर आप एक साइड पे डाउनवर्ड को लेके जा रही हो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि आपको लगता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ज़्यादा जल्दी पीविट के पास पहुंच जाएगी उसे आप ले रहे हो पॉजिटिव दूसरी साइड में भी आपने डाउनवर्ड को ही एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है ठीक है अगर यहाँ पर आप यहाँ यहाँ पर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो नेगेटिव कर रहे हो दूसरी साइड पर भी यही होगा लेकिन अगर ये डाउनवर्ड है दूसरा अपवर्ड है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा फिर वो नेगेटिव होगा सेम सेम यानी कि पहले आपने सोच लेना कि डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रही ली अपवर्ड को मैं नेगेटिव ले रही ली तो फिर दोनों साइड पे सेम सेम काम ही करना फिर वो मैंने आपको जो है वो नोमेरिकल किस तरह से फाइंड करते हैं उस वीडियो के अंदर बताया कि हाउ टू सोल्व द नमेरिकल उसके अंदर फिर आपने क्या करना होता है एक साइड पर सारी नॉन वैल्यूज़ कर लेनी होती है और एक साइड पर अन तो यहाँ से फिर जब आपने ये सेट कर लिया तो जो आपको नहीं पता वो वैल्यू यहाँ रहने बाकी सारा डाटा उस तरफ लेके जाके कैलकुलेशन करके आप टोक फाइंड कर सकते हैं और ये हमेशा याद रखना अक्सर बच्चे ये आर को पुट करने में गलती करते हैं आर जो डिस्टेंस होता है ना हमेशा एक फोर्स का फ्रॉम पीविट होता है जैसे ये टू है तो इसके लिए ये दोनों मिला के आर है ठीक है ये दोनों मिला के वन आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव और अगर ये वाली फोर्स है थ्री न्यूटन तो इसके लिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं जीरो पॉइंट फाइव गलत जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जैसे यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री दिया हुआ है तो ये होगा और इस इस वाली फोर्स के लिए तो ऑफकोर्स जीरो पॉइंट फाइव ही होगा मोमेंट ड्यू टू कपल जो कपल होता है कपल क्या होता है कपल ये होता है कि दो डिफरेंट फोर्सेज हैं वो जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं दो डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे लग रही है उसकी वजह से रोटेशन का होना कपल है यहाँ पर फोर्सेस का सम जीरो हो सकता है लेकिन टॉक जीरो नहीं होगा अगर एक ही पॉइंट पे लग रही है तो तब तो कपल नहीं होगा तो यहाँ पर फोर्सेज का सम भी ज़ीरो और तो टॉक का भी सम ज़ीरो अगर इस तरह से है कि एक जो चीज़ है वो उसमें फोर्सेज का सम जीरो है दूसरी में ज़ीरो नहीं है तो इसमें टॉक भी ज़ीरो नहीं होगा और फोर्सेज का सम भी जीरो नहीं होगा कपल का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर यानी कि इसका यूनिट सेम एज टॉर्क वाला है अगर हम टेंशन का यूनिट देखें तो सेम एज फोर्स वाला है अगर हम कपल का यूनिट देखें तो सेम एज जो है वो टॉर्क वाला है अगर कपल का यूनिट देखें सेम एज टॉर्क वाला है कपल कपल को जो किस तरह से फाइंड करते हैं आप सिंगल फोर्स लेनी है क्यों सिंगल फोर्स लेनी है क्योंकि यहाँ पर ये मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना दिया अगर आप चाहें तो आप इस तरफ बना सकते हैं कोई मसला नहीं है एक फोर्स को आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से गुजार दिया यानी कि उसके उसको पैरालल कर दिया तो उस फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा तो इसलिए आपको एक ही फोर्स लेनी पड़ेगी और पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा क्योंकि पीविट पॉइंट बन गया ये तो फिर डिस्टेंस पूरा ही आ जाएगा यहाँ दूसरा मेथड आप यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये यह फिर यहाँ से अगर हम इसी फोर्स के कंपोनेंट देखें ये आर कोसिता थीटा ये आर साइंटिता थीटा तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और आर थीटा दोनों पैरेलल हो गए ठीक है पैरेलल का तो कोई ना पे तो कोस कंपोनेंट ही इफेक्टिव रहेगा यहाँ अगर हम यहाँ दूसरी डायग्राम के अंदर देखें तो ये एक फोर्स फोर्स वाली की लाइन लाइन को मैंने ऑफ ऑफ एक्शन कह दिया तो यहाँ पर आर साइन ही ठीक है यहां पर थीटा ही परपेंडिकुलर है जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ जाए ड्रा करने के बाद चाहे वो आर कोसिटा है चाहे वो आर साइंटिटा है चाहे वो एफ कोसिटा चाहे वो एफ साइनिटा वही कंपोनेंट इफेक्टिव होगा जो परपेंडिकुलर होगा जैसे यहाँ पर एफ जो है वो थीटा इसके लिए जरूरी है कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए उसके अंदर आपको पता चल जाएगा वेक्टर किस तरह से आपने ड्रा करने का कम्पोनेंट यानी कि जो बिल्कुल उसके सीधा इस तरह से आएगा वो थीटा और जो बेस बना रहा होता है वो कोर्स का कंपोनेंट होता है तो यहाँ पर ये यह भी इस तरह से आ जाएगा एक फोर्स ले ली और एक कंपोनेंट ले लिया और इस तरह से आ जाएगा इसके लिए एक शॉर्टकट अगर लेना हो आपको तो ये हमेशा याद रखना है कि अक्सर बच्चों को पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ थीटा का एंगल ले नाइन्टी ले तो बच्चा दोनों लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है कपल के अंदर जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं होता जो थीटा होता है वो वाई एक्सिस के साथ नहीं होता एक्स कंपोनेंट के साथ नहीं होता वाई कंपोनेंट के साथ नहीं होता वो थीटा होता है बिटवीन आर एंड एफ तो उन दोनों को सम अप करके साइन वन ट्वेंटी लें और ये बात पहली हो चुकी है कि जो कपल है वो जो है वो फोर्सेस होती है तो एक्टिंग टू डिफरेंट पॉइंट इसके अलावा मुझे नहीं लगता डॉक्यू में इसके अलावा कोई और बात होगी लेकिन अगर कोई और बात हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं क्वेश्चनिंग जरूर क्या करें हो सकता है आपकी क्वेश्चनिंग हेल्पफुल हो दुआ में याद रखिएगा अल्लाफि